नमस्कार, मैं आपका दोस्त कृष्णभाई प्रजापति और आप देख रहे हैं KM न्यूज। और आज हम उपस्थित हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान पर, और यहाँ जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिनेश शर्मा जी, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं ठाकुर जी की मूर्ति को लेकर के, और जानेंगे आज जो है किस लिए पहुँचे हैं और क्या विषय रहेगा जानने का प्रयास करेंगे। सर, आज जो आप यहाँ पहुँचे हैं किस लिए पहुँचे हैं और क्या विषय है आपका? देखिए, आज माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक फैसला आने वाला है सर्वे के ऑर्डर की तिथि का। तो पिछली डेट पर माननीय न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट की वजह से फैसला नहीं दे पाए। अब सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी की डेट हो चुकी है पूरी। आज माननीय न्यायालय 11 जनवरी को जो सर्वे की तिथि है उसकी घोषणा कर सकती है। सर्वे का प्रारूप क्या होगा, सर्वे में कौन कौन अधिकारी अंदर जाएंगे, इस बात पर निर्णय हो सकता है। आज सभी सनातन हिंदू यहाँ इकट्ठे हुए हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। सभी को उम्मीद है कि आज सर्वे की तिथि घोषित हो जाएगी, उसके बाद में फिर यहाँ पे माननीय न्यायालय द्वारा अधिकारी भेजे जाएंगे, वो सर्वे करेंगे जी। जैसा कि पिछली 2-3 तारीखों से जो है SI जो है लग रहा था कि हो सकता है कि इस तारीख में जो है फैसला आ जाए, कोर्ट कमिश्नर जो नियुक्त होना था, लेकिन अब तक नहीं हुआ। क्या इसी प्रकार की कोई ऐसी संभावना है कि आज भी कोई डिले हो सके? देखिए, पिछली डेट पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील दी थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी की डेट है, इसलिए लिहाजा 9 जनवरी तक आप कोई फैसला ना दें, 9 जनवरी के बाद आप स्वतंत्र हैं। तो माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी बात मान ली थी, लेकिन 9 जनवरी को कोई फैसला आया नहीं है, तो अब स्वतंत्र है माननीय हाईकोर्ट। अब 11 जनवरी है, आज हाईकोर्ट कोई भी फैसला दे सकती है।